हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि CUET फेस टू का जो एग्ज़ाम होना था वो आज से स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन 4 अगस्त का जो एग्ज़ाम था वो कई सेंटर पे पोस्टपोन कर दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि टेक्निकल एरर की वजह से कई सेंटर्स के एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। केरला स्टेट के लिए तो एक अलग से नोटिस NTA ने प्रोवाइड की गई है कि उनका जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो चुका है, यानी 4, 5, 6, 7 जो भी एग्ज़ाम थे वो सभी पोस्टपोन हो चुके हैं ड्यू टू हैवी रेन। लेकिन अदर स्टेट के टेक्निकल एरर की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, तो सभी जहां पास भी टेक्निकल एरर हुई है वहां NTA द्वारा एक नोटिस पेस्ट की गई है। नोटिस क्या लगाई गई है देखते हैं। इसे मेंशन किया गया है कि इट इज रिग्रेटेड दैट ड्यू टू टेक्निकल एरर द CUET यूजी एग्जाम शेड्यूल्ड एट दिस सेंटर टूडे इज पोस्टपोन टू 12 अगस्त 2022, यानी जो आज एग्जाम होना था उस एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है और आपका एग्जाम 12 अगस्त को कंप्लीट किया जाएगा। यानी अगर आपका टेक्निकल एरर की वजह से एग्जाम छूट गया है, पेपर छूट गया है, तो आपको परेशान नहीं होना है, 12 अगस्त को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। द पोस्टपोन एग्जाम विल बी हेल्ड एट द सेम टाइम एंड एट द सेम एडमिट कार्ड शैल बी वैलिड, यानी जो एडमिट कार्ड आपने पोर्टल से डाउनलोड किया है वो वैलिड होगा और जो टाइम आपको प्रोवाइड किया गया है यानी जितने समय से आपका एग्जाम कंडक्ट होना था सेम टाइम पे आपका एग्जाम कंडक्ट होगा 12 अगस्त 2022 को। अगर ये डेट सुटेबल नहीं होती है या कोई इसमें हेरफेर किया जाता है, चेंजमेंट किया जाता है, तो NTA द्वारा आपको इंफॉर्मेशन आपकी ईमेल आईडी पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये नोटिस पेस्ट की गई है NTA द्वारा सेंटर्स पे जहां टेक्निकल एरर हुई है। आगे जो भी अपडेट मिलेगी मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करा दूंगी। अभी ऑफिशियल साइट पे ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है। ऑफिशियल साइट पे सिर्फ एक ही नोटिस प्रोवाइड की गई है, वो है केरला स्टेट के लिए, यानी केरला स्टेट में जितने भी एग्जाम होने थे CUET के जो डेट थी 4, 5, 6, 7 उन सभी का पोस्टपोन हो चुका है, लेकिन ये अदर स्टेट के लिए है। तो अगर आगे कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ मुझे मिलती है तो मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करा दूंगी। तो फिलहाल आप चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।